तो तंजीम के साथ है और ये इल्जाम शायद आपने अभी बना लिया। आपने अभी बना ली है? आप भी मुझे पटवारी लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं 25 फनी मोमेंट्स ऑफ शेर अफजल मरवत। तो अफजल जी के हमने और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और इनका बोलने का स्टाइल जो है यार, मुझे बहुत पसंद आता है। और जो इनका एक डायलॉग था कि वो बढ़ गया, वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था, इतना वायरल हो गया, उनको खुद को पता है। वो हर बात में कहते हैं कि मेरा ये डायलॉग तो तुमने वायरल ही कर दिया है, इसको ऐसे करके मेरा वो मतलब नहीं था जो मतलब तुमने निकाल दिया। तो पर सच में इनका स्टाइल भी कुछ थोड़ा सा अलग है, तो जिसमें हमें हंसी आई जाती है। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में बहुत अच्छी वीडियोस बनती है इनकी, और जो भी इनकी वीडियोस एडिट करता है ना, बा कमाल एडिटिंग होती है कि हंस हंस के आपके पेट दुखने लग जाए। तो मैं तो हमेशा इंजॉय करती हूँ इनकी जितनी भी वीडियोज अभी तक हमने अपने इस चैनल पर की है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ फनी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कबूतर जा जा, उनके बाप का पैसा है जो अपने बाप की तस्वीर छपवा रही है। दोस्तों, पीटीआई के सदर शेर अफजल मरवत का एक अपना ही स्वैग है, ये कौमी असेंबली में चोरों का जीना हराम कर देंगे, इनकी हर बात ही कमाल होती है। तो चलिए आज आपको शेर अफजल मरवत साहब के कुछ फनी सीन दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लतीफ खोसा और शेर अफजल मरवत को देखें, ये पार्लियामेंट में गंजों की तकरीर सुनने की बजाय नींद के मजे ले रहे थे। सो रहे हैं। इसी तरह स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी को देखें, जो सारे सियासतदानों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और मरवत साहब इनको बूट भी याद करवा देंगे। मैं मोहतरम वाकई। अब जैसे कि पुलिस वाले पीटीआई के बंदों को रात के टाइम ही क्यों उठाते हैं, इसकी वजह भी मरवत साहब ने बता दी है। मरवत साहब इतना भी सच नहीं बोलना था। बुखारी पे है, उज़्मा को चाहिए इनसे बच कर रहे। अजमा बुखारी थोड़ी गुड लुकिंग है बनिस्बत मरियम औरंगजेब। हाँ, वो भी बड़ी प्यारी है। नहीं, अल्लाह दोनों को खुश रखें, लेकिन देखें अजमा बुखारी की जबान जो है इतनी कैंची की तरह लचलती ना, और ये हर वक्त गुस्से में और आग के शोले निकालती हैं, तो फिर ये बड़ी अच्छी दिखती। और बहरहाल मुझे अजमा बुखारी ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल है बनिस्बत ये दूसरी। अगली वीडियो में पीटीआई के सदर मरियम औरंगजेब की मुंडी ठोक देते हैं। मरियम औरंगजेब का नाम भी जोड़ा जा रहा है कि किसने उनको थप्पड़ मारा है। अब तक ये बात की तस्दीक हुई है कि ये थप्पड़ किसको पड़ा है, किसने मारा है, क्यों मारा है, कोई इस बात के पर पता चला आपको? जिसने भी मारा है कार शेर में अपना हिस्सा डाला है, मेरे ख्याल में मुरम्मत करनी थी ताकि चेहरा सीधा हो जाए, कोई अपना ही होगा। चेहरा सीधा हो जाए इसलिए मरम्मत की जरूरत थी। इसी तरह मरियम को पंजाब की पगड़ी पहनाने वालों के नाम एक पैगाम भी सुन ले। आप पंजाब की जो पगड़ी है वो मरियम नवाज के सर पे रख दी गई है, इस पगड़ी को कैसे देखते हैं आप? हमारे यहाँ तो खवातीन के सर पे पगड़ी नहीं रखी जाती है, लेकिन ये नून लीग के एक आप लोगों ने पगड़ी पहना दी है। इस्तकबाल की बातें तो हो रही है, बताएं कि इस्तकबाल की बातें हो रही हैं। इस्तकबाल की बातें तो हो रही हैं। दोस्तों, शेर अफजल मुस्तकबिल में पाकिस्तान से चोरों का सफाया लाजमी करेंगे, क्योंकि इस बंदे को ये खेल बड़ा पसंद है। क्रिकेट में दिलचस्पी है, कौन सी खेल में ज्यादा दिलचस्पी, कौन सी गेम में? चोरों की तरफ भागने में दिलचस्पी। जैसे कि मरवत साहब अपने बेटे को भी नहीं बख्शते, ये बंदा बड़ा ही साफ दिल का है। बेटा बड़ा शरारती भी है सर, इनको वकील बनेंगे, सियासतदान बनेंगे, क्या बनेंगे? इनकी मर्जी है जो बनना चाहिए, इंसान बन जाए काफी। अगली वीडियो में शेर अफजल अता ताड़ का प्रोग्राम बाढ़ देते हैं। अपने वो अता ताड़ के वो नारे सुने कल असेंबली में, जो गलीज जबान नारों में वो इस्तेमाल कर रहा था, और फिर आके हमारे सामने इस तरह उड़न चू हो रहा था। सुने ना जी, वो इस तरह उड़न चू हो रहा था, और साथ में
गलत नारे लगा रहा था। मैं कसमन कहता हूँ कि लम्हों की देर थी, ये बेचारे गंजे बड़े जलील होने वाले हैं। पूरे 5 साल शेर अफजल साहब इनको रुलाएंगे। इनका अलग ही स्वैग है सच में, वाकई में। अच्छा, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी रोजेदारों की तरफ से एक पैगाम है, सारे भाई लाजमी इस पे गौर करें। बीबी जो अपने वालिद बुजुर्गवार की तस्वीर उन आटों पे लगवा रही है, ये आटा खाने से रोजा जो है रोजादारों का हराम होगा। ये आप क्या बात कर रहे हैं, बात तो ये सही कर रहे हैं। ये उनके उनके बाप का पैसा है जो अपने बाप की तस्वीर छपवा रहे हैं। अब जैसे कि मरवत साहब एंकर बेचारे को ढीठ कर देंगे क्योंकि उसने गलत बंदे के सामने चश्मा लगाया था। एंकर जस्टिस सिस्टम से बड़ा तेज है, वो बड़ा जल्दी बंदा प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो बस आप उन एंकरों से पूछ ले, वैसे आपने इस बारिश के मौसम में चश्मा क्यों लगाए, समझ नहीं आती है। धूप निकली होती तो लगा लेते। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में सिर्फ कबूतर ही उड़ाने आए थे और शेर अफजल इनको कबूतर वापस ले जाने का कह रहे हैं। नवाज शरीफ की सियासत में उधर इवन फील्ड में ही देख रहा हूँ, साथ में उस कबूतर को भी ले जाएं जो उन्होंने अपने पंडाल पे बिठाई। कौन से कबूतर? वो जो कबूतर जो पहले तो पहुंचे, ऐसे लग रहा है कि हजरत कबूतर उड़ाने आए थे, समझ गए ना। ओ कबूतर जा जा, कौन सा। अगली वीडियो में एक और एंकर बेचारा मरवत साहब के हत्थे चढ़ जाएगा, ये किसी को भी नहीं बख्शते। जब आपका दिल चाहे तो आप फिल्मों में काम करें, ये यूं करके जरा खूबसूरती के साथ डांस होगा पहाड़ों में, कितना अच्छा लगेगा। आप खूबसूरत कह रहे हैं, आप मादरत के साथ गए तो नहीं। इसी तरह मरवत साहब का स्टाइल हमेशा सीरियस बात को भी फनी बना देता है। ये बंगाली आमिल के पास गए होंगे और उन्होंने शायद चीला काट के उनको बताया होगा कि 125 सीटें वो लेंगे बलदियाती इलेक्शन में। दोस्तों, कोई भी एंकर इनसे उल्टा सवाल नहीं कर सकता, नहीं तो ये उसे पटवारी बनाने में एक सेकंड नहीं लगाते। केपीके में आप पर एक इल्जाम है कि आपको टिकटें फरोख्त करते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने हैं, क्या इसमें सदाकत है? तो टिकटों का काम तो मेरे साथ नहीं है, हम तो कन्वेंशन कर रहे हैं, वो तो तंजीम के साथ है। और ये इल्जाम शायद आपने अभी बना लिया, आपने अभी बना ली है, आप भी मुझे पटवारी लगते हैं। मैं पटवारियों से बात नहीं करता हूँ। क्या बात है, बोलती बंद करवा दी इन्होंने। शुगर लगा देंगे। हाँ जी, चंदन सवाल दिन दिन। हाँ तो जिन्होंने करना है वो करे। जैसी शौक मोहब्बत ना प्यार ना आ ही गए हैं तो तुम सवाल कर लो। आप ही पहले गल करो ना। गल असा की करने, गल तो मैं छोड़ा है। अगली वीडियो में एक बार फिर से गंजों को चोर चोर कह के छेड़ने लग जाते हैं। बहुत हिम्मत वाले हैं भाई, अवाम में जाके पब्लिकली कुछ भी बोल लेते हैं। मुंह ही नहीं छोड़ते। ये क्या हो रहा है इनके साथ, इसी तरह शेर अफजल एक और एंकर को पटवारन कह के उसका प्रोग्राम बांट देंगे। आप जिनके वोट से आए हैं उनका ख्याल नहीं है, मगर चूंकि आपको वोट कम मिले हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जुबान है। अब जैसे कि असेंबली में ये लाजमी खराबी करेंगे क्योंकि शेर लाइव शो में सिगरेट नहीं छोड़ते। दोस्तों, पीटीआई के शेरों की सादगी देखें, इनको ये भी होश नहीं कि जूते कौन से पहने हैं। हम इधर उधर फिरे हैं तो ये अभी हमने देखा, इधर खान की दिखा दें, ये को भी पता चला कि इनका
निकाला है राहुल ने। अब इधर हमें कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे किसके साथ तब्दील हुआ है। पता बरारी के पास पता चला कि ये मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने, वहाँ से लाए। बताओ एक बार फिर ये उन्हें ये नहीं पता कि एक जूता कोई और है एक कोई और करेंगे। उत्तर जा जा, कौन सा यार वो एक गाना था लेकिन बहरहाल हाँ बॉलीवुड सॉन्ग है। बाजी का जो सुपर गाना उससे हम जो है हमें इसी तरह इस बंदे को हुकूमत को तंग करने का मजा आ रहा है तो सोचे ये आगे जाके क्या गुल खिलाएगा। सच में माशाल्लाह जज भी रहे हैं। यहाँ पे जो मछली मंडी बनी होती है यहाँ पे कैसे गुजारा होगा आपका? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हम तो वकील है, हमारी तो कचहरी हमेशा मछली मंडी बनी होती है। अच्छा बोलते सच है। ओ यार मतलब इनका जो स्टाइल है, मतलब मैं तो फैन हूँ इनके स्टाइल का। सच में अगर ये कोई सीरियस बात भी करते हैं वो सीरियस बात भी एकदम फनी लगती है। और हर बात में अब जैसे इनका बढ़ गया तो इनका फेमस हो ही गया है, उसके बाद भी मैंने इनको देखा जैसे वो कहते हैं नवाज शरीफ की जो के साथ जो कबूतर बैठे हैं हम उनको कहेंगे कबूतर जा जा जा, वो तो मुझे इतना बढ़िया लगा। स्टार्टिंग में उन्होंने क्लिप में दिखा रहे थे कि आगे की वीडियो में कबूतर जा जा जाने वाले, तो मुझे लग रहा था ये किसकी बात कर रहे हैं। तो ये वो सारे मेंबर्स की बात कर रहे थे नवाज शरीफ के साथ जितने भी मेंबर हैं। तो भाई साहब सच में बहुत मजेदार वीडियो थी आज की, मजा आ गया वाकई में। मैंने अभी तक की जितनी वीडियोस इनकी देखी हैं, मेरी सारी वीडियोस हम लोग की बहुत ज्यादा फेवरेट है। लेकिन हमेशा इनकी वीडियो की जो खासियत है ना, जो भी एडिटर इनकी वीडियो एडिट करता है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज के इनके इंटरव्यूज निकालता है और बहुत फनी इंटरटेनिंग वीडियोस हमारे लिए लेकर आते हैं। लेकिन हमें इतना अच्छा लगता है इनकी बातें सुनना कि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतने ब्रेव हैं बोलने में कि मतलब इंस्टेंट रिप्लाई देना तो कोई इनसे सीखे, क्योंकि आप अचानक मीडिया के सामने कुछ भी बोल दें तो उसके लिए आपको काफी ब्रेवरी आपके अंदर होनी चाहिए। और आई थिंक मारवत जी जो हैं वो इसमें काफी ज्यादा टैलेंटेड है कि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सामने वाले बंदे का मुंह कैसे बंद करना है। और वीडियो के एंड में ये हमसे पूछ रहे थे कि कौन सी आपको इसमें से अच्छी लगी वीडियो। खैर ये पूरी वीडियो ही बहुत मजेदार थी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा जब इन्होंने बताया कि जो शूज है इन्होंने अलग अलग पहने हुए हैं तो उनको मालूम ही नहीं चला ये मस्जिद गए और वहां से जो है शूज एक्सचेंज करके लेकर आए हैं। तो वीडियो में मुझे वो पार्ट बहुत फनी लगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।